मूल में ही, नापि तृतीयः ज्ञानेच्छादी नाम परस्वरूपादान प्रसंगात। तीसरा लक्षण क्या था? जन्येन अयुति सिद्धत्व सति जनकत्वं वा, जन्य के साथ अयुति सिद्ध होने पर जो जनक होता है उसको हम कहेंगे आधारत्वं। तो वो भी नहीं हो सकता, क्यों? ज्ञान इच्छादि नाम परस्पर उपादान प्रसंग, ज्ञान इच्छादि परस्पर उपादान प्रसंग होने लग जाएंगे। क्यों? आगे समझा रहे, अस्ति तत्र जनकस्य ज्ञान जन्येन इच्छादिना अयुति सिद्धत्वं। ये जनक कौन है? ज्ञान। उस ज्ञान जन्य इच्छादि के साथ में जनक ज्ञान का अयुति सिद्धत्व स्पष्ट ही है, क्योंकि आत्मिक आश्रयतया पृथक आश्रित लक्षण युत सिद्ध भावात्। आत्मा ही एक आश्रय कि युत सिद्ध का लक्षण दो था, उससे पहला लक्षण ही था पृथक आश्रित्व होना, पृथक आश्रितत्व का नाम युत सिद्धत्व। जब पृथक आश्रित नहीं है, एक कहीं में दोनों आश्रित है, उसका नाम युत सिद्धत्व तुम्हारे मत में। आते हुए तीसरा लक्षण नहीं हो सकता। नापि चतुर्थ व्यर्थ विशेषत्व आपत्ते है, चौथा लक्षण भी ठीक नहीं। चौथा लक्षण क्या था? उसको उसी लक्षण में द्रवित विशेषण दो, क्योंकि ज्ञान इच्छादि क्या है? गुण है, अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। कथित तब भी व्यर्थ ही है, व्यर्थ विशेषत्व आपत्त है कि नहीं द्रव्यम उपादानम इत्यभिते अस्ति क्वचित प्रसंग हो। फिर तो विशेषत्व जितना भी है, विशेषांश क्या था वो? जन्यत्व सति जनकत्व, ये पूरा ही बेकार हो जाएगा। इतना ही कहूँ द्रव्यम उपादान खत्म, जो द्रव्य है वही उपान कारण होता है, कहीं व्याति व्याप्ति नहीं इसका। गुण कर्म सामान्य विशेष समय भाव किसी को भी तुम समय कारण मान दे तो हो नहीं, ये तुम्हारे मत के अनुसार कहीं भी अतिव्याप्ति है, प्रसंग ही नहीं बनता है। फिर इतना लंबा लक्षण क्यों है? द्रव्यत्व सती जन्य आदि सब इतना लंबा चौड़ा लक्षण दे बना रहे हो, क्या फायदा होगा उसका? वही कह रहे हैं द्रव्यम उपादानम इत भीते नहीं अस्ति क्वचित अति प्रसंग, कहीं भी अति प्रसक्ति नहीं है। येन जन्येन अयुति सिद्धत्व इति पदांतर उपादीयत, जन्येन अयुति सिद्धत्व सति जनकत्व, ऐसा पदांतर और जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना भी पंचम निरवेशु आत्माकाशादिश व्याप्ते है, पांचवा लक्षण भी तुम नहीं बोल सकते हो। पांचवा लक्षण क्या था? कार्याकारण परिणतत्व, कार्याकार से परिणाम को प्राप्त होना, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है आत्मा फिर उपान कारण नहीं रह जाएगा ज्ञान आदि का, आकाश भी उपान कारण नहीं रहेगा शब्द का, क्योंकि आकाश का परिणाम नहीं है ना, आत्मा का भी परिणाम नहीं है। ये परिणाम मानेंगे उसे भी तो प्रश्न उठेगा, पूरा आत्मा का परिणाम हो जाता है जैसे पूरा दूध दही हो जाता है, या एक आलू का एक हिस्सा सड़ जाता है, वैसे परिणाम मानोगे? किस तरह के परिणाम मानेंगे? एक देश या सर्व, क्या मानेंगे? परिणाम दो प्रकार के देखा गया है ना, सर्वदेश परिणाम हो जाते हैं, दूध आदि है पूर्ण रूप में परिणाम हो जाता है, और दाल है कुछ रखा है खराब हो गया, ये तो नहीं ऊपर ऊपर का खराब हो गया नीचे का साफ है अच्छा है, नहीं वो सड़ गया तो पूरा ही सड़ गया वो। इन आलू में और आपके जो अनार में इत्यादि में देखिएगा तो पूरा कहाँ सड़ता है, ये कहीं एक हिस्सा सड़ा हुआ मिलता है। लोग क्या सब्जियां भी लाते हैं, कई सारे तरीके देखे गए हैं, वो कुछ हिस्सा मात्र सड़ा होता है, आप उसको काट के फेंक देते हैं, अमन या करके बाकी को प्रयोग करते हैं। एक देश में विकार, एक देश में परिणाम दिख रहा है वहाँ, आप एक किस प्रकार का परिणाम मानेंगे, वही प्रश्न उठाएंगे। सबसे पहले तो ये बात दे दिया, निरवेश आकाश आत्मविश्व व्याप्त है, निरव जो आकाश है, निरव जो आत्मा है, उनमें आपका लक्षण चाहेगा नहीं, कि परिणाम तो सावयव में ही होता है, फिर ये कभी उपान कारण नहीं हो पाएंगे किसी का भी, या पत्ती दिया नहीं आत्मा आकाशम व ज्ञानेच्छादि रूपेण शब्द रूपेण व परिणमते, जैसे आत्मा ज्ञानेच्छादि रूपेण या आकाश शब्द रूपेण परिणाम को प्राप्त नहीं होता। कार्षणिक देश विकल्प असहत्वाच, और यह विकल्प विचार करेंगे पूरा का पूरा आत्मा ज्ञान रूपेण परिणाम हुआ या आत्मा का एक देश हुआ, यह विकल्प उठाएंगे तो इसका भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तंत्वादि नामपि पटाध्याकरण गुण कर्माध्याकरण व परिणाम आदर्शनात्, और दूसरा आपने तंतु को पट का समय कारण कहते हो, पट रूप के प्रति पट को समय कारण कहते हो, इन्हें कैसे घटेगा? क्या तंतु पट रूप में परिणाम हो गया या पट रूप में परिणाम हुआ? ये परिणाम हो तो तब तो कार्य कारण भाव है ना तुम्हारे मत में। फिर कहते हैं कि तंत्वादि नामपि पटाध्याकरण या गुण कर्माध्याकरण व परिणाम अदर्शनात्, वहाँ भी अव्याप्ति है। नहीं द्रव्यम गुण कर्म वा भवती, क्योंकि द्रव्य गुण रूपेण परिणाम को प्राप्त नहीं होता, अद्रव्य कर्म रूपेण परिणाम को प्राप्त नहीं होता। त
तद आश्रयत्वाद, क्योंकि बल के गुण और कर्म का आश्रय द्रव्य बना रहता है, और आश्रय नहीं रह गया तो आश्रित कहाँ टिकेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इसे इनमें भी लक्षण आपका अन्वय नहीं हो रहा है। तब तो अंतिम लक्षण ले लो फिर, ब्रह्माधिष्ठानत्व नापिष्ट प्रपंच सत्यत्वादिवीर अनंगीकारात्। प्रपंच सत्यत्वादियों के द्वारा यह लक्षण कभी स्वीकार हो ही नहीं सकता है कि जगत सत्य जिनके लिए, वो कैसे मान सकते हैं। अतएव तदेव उपादान उपादेय भाव अनिरूपणात् न तदंतानुपत्य भेदा भेद सिद्धि ही। जो उपादान उपादेय भाव का निरूपण न होने से उसके अनुतापोक्ति के आधार पर भेदा भेद किसी अब सिद्धि नहीं कर सकते। तब सामाधान सामाधिक व्यवहार को लेकर सिद्ध करने के चाहेगा, उसका भी खंडन करेंगे। टीका नापि तृतीय एवं कार्याधारत्व इति पक्षम दूषित्वा, से कार्याधारत्व पक्ष को दूषित करके जन्यन जनगत्व इति पक्षम दूषयति नापि तृतीय इति। तीसरे लक्षण का भी दोष दिखाते हैं। ज्ञान इच्छा दो लक्षण वर्त है, ज्ञान इच्छा में लक्षण तुम्हारा जा रहा है, अतिव्याप्ति हो रही है, अधिकार अस्ति इति। द्रवित्व विशेषित्व वा इति पक्षम दूषयति, द्रवित्व विशेषित्व करके जो चौथा लक्षण बनाया उसमें भी दोष दिखा रहे हैं। नापि चतुर्थ इति कार्याकरण परिणतत्व इति पक्षम दूषयति, पांचवा पक्ष है, नापि पंचम, उसका भी खंडन कर देते हैं। अतः किमिति आत्मा ज्ञानादि रूपेण आकाश शब्द रूपेण न परिणमते इति तत्राह। अदे कोई कहे भाई आत्मा ज्ञानादिपण क्यों नहीं परिणाम होता, आकाश का शब्द रूपण क्यों नहीं परिणाम मानोगे आप, ऐसे पूछेंगे तो पूछते बताओ परिणाम यदि मान भी लूँ तो पूरा आकाश परिणाम हो रहा है या पूरी आत्मा परिणाम हो रही है या उसका एक देश, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अयम अर्थ किम आकाश सर्वात्मना परिणमते एक देशेन वा न आद्य आकाश विनाशेन अनित्यत्व आपातात्। आकाश का विनाश ही हो जाएगा फिर तो, जैसे दूध का नाश हो जाता है तभी तो सर्व सर्व परिणाम ही होता है, जो जिसका परिणाम कह रहे हैं उसका अपने स्वरूप का नाश हो जाता है, दूध खत्म फिर दही बन जाएगा, वो दही से चाय बनाएगा कोई तो बना ही नहीं सकता ना, खत्म हो गया इसका मतलब दूध, इसलिए आकाश खत्म हो जाएगा। सर्व सर्वदेश आकाश का परिणाम शब्द हो गया फिर आकाश का नाश मानना पड़ जाएगा, फिर नित्यत्व जो तुम्हारा प्रतिज्ञा भंग होगा। न विनाश तस्यैव शब्दत्वादिति चेत कहते नहीं विनाश हुआ कहाँ, वह आकाश ही शब्द रूपेण में अनुभव में आ रहा है, आकाश है वहाँ शब्द रूपेण है। चेत किं कारण व्यापार वैयर्त्यम समर्थितुम अध्यवसितोसी, भाई बताओ हो यदि आकाशी शब्द रूपेण है अभी भी कहते हो, फिर कारण का व्यापार जो था वो किस लिए किया गया था, यदि आकाश वैसे के वैसे रह गया और फिर भी शब्द परिणाम भी मान लोगे, फिर तो कारण में व्यापार जो किया गया शब्द उत्पत्ति के लिए प्रयास है वो व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया। मिट्टी ऐसे ही बना रहा इधर घड़ा भी बन गया कहोगे, फिर मिट्टी के लिए इतना जो प्रयास करोगे, उसको पानी से मिलाओगे, कुचलोगे, तैयार करोगे, चाक पर रखना, इतना जो व्यापार क्यों कर रहे, व्यर्थ हो जाएगा व्यापार। मैंने उत्पत्ति के लिए जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, कारण सामग्री को जुटा रहे हैं, वो सब व्यर्थ ही हो जाएगा यदि आकाश वैसे के वैसे है और सब परिणाम भी हो गया कहोगे तो। वैसे कारण व्यापार वैयर्थ्यम समर्थितुम किम अध्यवसितोसी, क्या तुम कारण व्यापार व्यर्थता को समर्थन करने के लिए दृढ़ निश्चय वाले होकर ऐसा बोल रहे हो, ये खंडन करते हो इस तरह से आक्षेप। अभिव्यक्त तो सार्थक मिश्रित कहते ऐसा नहीं है, कारण व्यापार जो हमारा व्यर्थ नहीं है क्योंकि अभिव्यक्ति करना है, अभिव्यक्ति में सार्थक हो जाएगा व्यापार। कहते चेत सत्यम अस्ति इयम किम वदन्ति कापिलानाम, ठीक है ऐसी जो है ना कापिल सांख्य दर्शन वाले बोल सकते हैं, हाँ प्रकृति वैसी की वैसी बनी हुई है, सारा ब्रह्मांड का परिणाम हो गया और प्रकृति का टस का मस अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये कापिल वाले बोल सकते हैं, लेकिन तुम नहीं है तार्किक तो नहीं बोल सकते, वैशेषिक होकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। कहते तो इस प्रकार की अस्थि यम किम वदंती कापिलाना तत्र त्वत अभिव्यक्तो अपि किम उत्पादकतया कारण चक्र सार्थक्यम, इसलिए यदि वहाँ पर भी इसी प्रकार तुम्हारे भी कहूँगा अभिव्यक्ति करने के लिए उत्पादकतया कारण चक्र का जो इकट्ठा करना होता है अनेक कारण सामग्री, उसी सार्थकता कैसे सिद्ध करोगे फिर, जैसे पुरुष की सत्ता में प्रकृति स्वतः परिणाम हो रही है, वहाँ कोई सामग्री की जरूरत ही नहीं, कौन क्या कर रहा है वहाँ,
पुरुष ने कुछ किया क्या? पुरुष कुछ करता नहीं और प्रकृति स्वतः ही जगत बनती जाती है, ये सांख्यों का कहना है। फिर आपको ही मानना पड़ेगा, फिर कारण सामग्री की क्यों परेशान हो रहे हो आप? मिट्टी घड़ा बनती जाए अपने आप फटाफट, कारण समूह को लेकर के व्यापार करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? किम उत्पादकतया कारण चक्र सार्थक्यम अभिव्यंजकतया वा, उत्पादकतया मानोगे कि अभिव्यंजकतया मानोगे? दोनों नहीं हो सकता। क्यों? आद्य घट कुटी प्रभातायितम, आद्य पक्ष वही है, उपादान कारणता में उत्पादकत्व को दूर करने के लिए अपने परिणामवाद लाए जनकत्व को हटा करके, और परिणामवाद को चल फिर वापस जनकत्व में चले गए, वहीं लौट गए, है ना। इसे कहते हैं आपका वही कहानी है जैसे घट कुटी प्रभात अन्याय लग गया आप पे। द्वितीय तो अनवस्था, हर द्वितीय करोगे एक की अभिव्यक्ति, दूसरा दूसरे की अभिव्यक्ति, तीसरा आकाश शब्द की अभिव्यक्ति के लिए एक आपने कुछ कारण सामग्री जोड़ रहे हैं, उस कारण सामग्री से शब्द अभिव्यक्ति के लिए एक और कारण सामग्री ढूंढना पड़ेगा। पूछो वहां पर भी ना ये कारण सामग्री स्वतः ही शब्द अभिव्यक्ति किए या नहीं? ये स्वतः करेंगे तो आकाश से क्यों नहीं माना आपने? अन्य सामग्री जरूरत कहाँ पड़ गया? यदि अन्य सामग्री के बिना आकाश का परिणाम शब्द रूप नहीं हो सका, ये कारण सामग्री भी अन्य के बिना शब्द रूप परिणाम हो नहीं सकेंगे। इस तरह से अन्य अन्य कर कल्पना करो तो अनवस्था दोष आ जाएगा। तो अनवस्था इति न किंचित है तत्, इसलिए यह तुम्हारा कथन का कोई खास अर्थ निकलता नहीं है। न चोत्पत्ति प्रतिबंधी अनंगीकारात, और जब उत्पत्ति को कोई प्रतिबंधी भी नहीं है, तो आपने कोई स्वीकार ही नहीं किया है। उत्पत्ति अभिव्यक्ति आकाश में शब्द का उत्पत्ति अभिव्यक्ति के लिए कोई प्रतिबंधक मान रखा है क्या आपने? और प्रतिबंध को हटाने के लिए हम कारण व्यापार कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कह सकते। तो सर्व प्रदेश परिणाम के विचार पर समाप्त हुआ। और एक देश परिणाम है तो किम अविवेक देश है किम व अन्यत किंचित, वह आकाश का एक देश कहते हो ना, आकाश का एक देश क्या है? कि आकाश का अवयव मानते हो या कुछ और मान रहे हो? या अन्यत किंचित नाद्य निरवयवत्वा, अवयव रूपी एक देश तुम नहीं बोल सकते हो कि आकाश तो निरवय है। न द्वितीय अप्रसिद्धत्व, अतिरिक्त कोई और जो है परिणाम के प्रति कारण हो उस प्रकार का कोई चीज एक देश रूपेण आकाश में स्वीकार नहीं किया किसी ने भी। न द्वितीय प्रसिद्धत्वात् भवत्व यथा तथा, ठीक है मान भी लो जैसे तैसे आकाश और आत्मा का परिणाम शब्द ज्ञान इत्यादि होता है, मान भी लिया जाए तो भी यथा तथा वा भवतु, तथापि किम एक देश आकाशात अभिन्न भिन्न हुआ, वह एक देश में पूछूंगा वो आकाश से भिन्न है एक देश या आकाश से अभिन्न ही एक देश? नाद्य पूर्वदोषात्, यदि अभिन्न कहोगे फिर तो पूर्वदोष वही है, आकाश के परिणाम पूरा हो जाएगा, पूरा होता आकाश का विनाश हो जाएगा, वही दोष आ जाएंगे। न द्वितीय आकाश से अपरिणाम, भिन्न नहीं कह सकते कि आकाश कोई परिणाम ही नहीं अलग। आकाश जैसे होता है पृथ्वी है, पृथ्वी का एक देश क्या है? पृथ्वी से बना हुआ एक घड़ा होता है, किसे बना हुआ घड़ा, वो घड़ा पृथ्वी से अलग भी है और एक देश भी है उसी का। तत्व ऐसे कोई मानने के लिए कोई आकाश के इस प्रकार का कोई कार्य है नहीं तो स्वीकृत हो जो आकाश से उत्पन्न हो और आकाश से अलग हो, आपके मत में है ही नहीं। आकाश से अपरिणाम भिन्ना भिन्नम दे दीजिए, इसलिए तो भेदाभेद सिद्ध हो गया। फिर पूर्व पक्ष कहने लगा अच्छा मौका मिल गया उसको, इसे सत्यम यदि विरोधो न सियाद विरुद्धं तु तत्, होता जरूर भिन्ना भिन्न भेदाभेद ये मान भी लेते हम यदि परस्पर कोई विरोध नहीं होता, लेकिन अत्यंत विरुद्ध होने के नाते इनका भेदाभेद नहीं हो सकता। विरुद्धं तु तत्, अतः विरुद्ध कौचन धर्मो भेदा भेदाभिधान रूप्रसाद मध्य कहो कश्चित भेदा भेदा नाम अभिधीयते, भेद नाम अभिधीयते, भेदा भेद नाम अभिधीयते, तथापि परिणयुक्त यो पक्ष यो कह परिगृहित स्यात् नो विमिचेत तत्किम अनिर्वचनीयम हंतभो। फिर वेदांत पे तुम पहुंच गए, कहते अतः अवृद्धो कौचन धर्मो भेदा भेदाभिधान, भेद और अभेद नाम का दो धर्म है जो अत्यंत अविरुद्ध है। भेद नाम का एक धर्म है, अभेद नाम का भी एक धर्म है, भेदा भेद नाम के दो धर्म है समझ लो। कौचन धर्मो भेदा भेदा विधान रूप प्रसाद मध्य कहो कश्चित भेदा भेद नाम अभिधीयते, तब से पूछा जाए रूप प्रसादियों में मध्य में किन दोनों दो को आप कह रहे हैं,
कयो कश्चित भेदा भेद नाम अभिद्यते, किन दो को किसके साथ आप वर्णन करते हुए इनका भेद और अभेद है और अवरुद्ध भी है दोनों धर्मो, ऐसे सिद्ध कर सको, कहाँ करोगे सिद्ध? यद्यपि ऐसे प्रश्न करके खंडन हो सकता है, तथापि परिनियुक्त यो हो पक्ष यो हो, परिनियुक्त पक्ष में कहाँ परिगृहित स्यात्, कौन से को परिग्रह करोगे? परिनियुक्त पक्ष क्या है वहां भी आप पूछेंगे ना, सर्वदेशे न है या एक देशे न है, इसमें भी प्रश्न उठेगा ना। मान लो भेदा भेद नाम का आवृत धर्म है, वो आवृत धर्म को लेकर के आप अगर हम परिणाम स्वीकार करेंगे तो वहां भी पूछूंगा ना, वो आवृत धर्म को लेकर के आकाश संपूर्ण का परिणाम मानोगे या आकाश के एक देश परिणाम मानोगे? आपको वहां पर अगर वहीं कहना पड़ेगा नो भयम, दोनों पक्ष नहीं कट सकता वहां पर भी। संपूर्ण कहोगे आकाश का नाश हो जाएगा, एक देश कहोगे हो नहीं सकता क्योंकि निर्वय सिद्धांत मान बैठे हो, तो नो भयम इति चेत तद किम अनिर्वचनीयम, फिर क्या तुम्हारा भेदा भेद नाम का धर्म अनिर्वचनीय है? यहाँ कर दिया तो फंसेगा वो, ना करेगा तो फंसा। तहंत भो शब्दाकारण आकाश विवर्तत इति निरवध्यम निर्वध, फिर निर्दोष होकर के खुलकर अच्छी तरह से बोलो इस बात को, तुम भी विवर्तवाद को स्वीकार कर रहे हो। कदि कहो फिर स्पष्ट ही, क्या कहो? शब्दाकरण आकाशो विवर्तते इति निरवध्यम निर्वदा, ये निरवध्य है, दोष रहित वचन को बोलो, खुल के बोलो, ये छोड़ो आरंभवाद को, छोड़ो परिणामवाद को, और विवर्तवाद जो वेदांत का है वह तुम्हें स्वीकार करना होगा। तदे किमिति परिणाम भाषया दुर्भगया भास्कर गोत्राभिसारिकया, परिणाम की इस भाषा को क्यों अपनाए रखे हो जो दुर्भगा है, तुम्हें इतनी परेशानी में डाल रही, दुखी दुख दे रही, कहीं अंत नहीं दिख रहा है इसका, छोर नहीं पकड़ में आ रहा है, और ये किसका है वास्तव में? भास्कर का है, भगवंत भास्कर के द्वारा दिया हुआ यह सिद्धांत है, और उस सिद्धांत को अपना करके तद गोत्रोत्पन्न के समान तुम अड़ रहे हो, ये छोड़ो जिस बात को करे। अभिसारिका का क्या अर्थ है? वेश्या, वेश्या के समान तुम व्यवहार कर रहे हो, माने खुद को, खुद के पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जाए उसी का पुरुष के पास जाए उसी वेश्या है, और तुम खुद के अपने सिद्धांत आरंभवाद को छोड़ के परिणामवाद में चला गए, तो वेश्यापना तो तुमने किया ही है, और उसका नतीजा क्या निकला ना? आरंभवाद बचा ना परिणामवाद बचा, दोनों से हाथ धोना पड़ा, विवर्तवाद भी प्रवेश करना पड़ रहा है तेरे को, इसलिए उसको त्यागना ही तुम्हारे लिए भला है। ये कहने ये थे ना परिणाम पक्षम प्रत्याचक्षी तो तदेवं कार्सनिक देश विकल्प असत्वाद आकाशादी नाम न परिणाम, इसलिए कार्सन एक देश विकल्प का सह होने से आकाश का परिणाम नहीं हो सकता। अथ च कारण प्रसिद्धि रस्ती शब्द आदि प्रतीत्य व्याप्त रित्यर्थ, फिर भी कारणत्व की प्रसिद्धि है वहां पे, आपका लक्षण जा नहीं रहा है, अव्याप्ति हो कि नहीं हुआ, इसलिए आकाश और आत्मा में शब्द आदि प्रतीति अव्याप्त रित्यर्थ, ऐसे शब्द आदि की प्रतीति में भी अव्याप्ति हो जाएगी। न केवलम निरवयेषु परिणाम अनुपपत्ति सावेषु अपि इत्याह, केवल निरवयों में ही परिणाम की अनुपत्ति दोष नहीं है, सावयों में भी परिणाम की अनुपत्ति आ जाएगी, कि सावयव तंतु पट रूपेण परिणाम नहीं होता, न सावयव पट स्वरूपेण परिणाम को प्राप्त हो रहा है, आप पट को में कोई भी द्रव्य है स्वगत गुण के प्रति समय कारण अपने माना, पट रूप के प्रति पट कारण है, अस्वावयव स्व के प्रति कारण बनता है, से तंतु पट के प्रति कारण कहते हो, से तंतु का परिणाम पट मानना पड़ेगा और पट का परिणाम पट रूप मानना पड़ेगा, यह तुम्हारे मत में हो ही नहीं सकता है। तथा भी वहां पर ही पूछूंगा ना, कार्सर पक्षे तंतु विनाशात निरुपादन रूप पट स्यात, वहां भी पूछो पूरे तंतु कपड़े के रूप परिणाम को प्राप्त हो गए तो तंतु ही नष्ट हो गया, फिर पटकार रह जाएगा। स्याद एक देश पक्षे भी भेदा भेद विकल्प कल्पनांत वात निर्मूलोन्मूलनम इति भाव, एक देश पक्ष में पूछूंगा ना, एक देश भी क्या वो तंतु का एक देश तंतु से भिन्न है या तंतु से भिन्न है, इधर जो पूर्व में वर्णन किया था आकाश भिन्न भिन्न वगैरह, वही जो है उस प्रकार के जो हमारी जो आंधी है भेदा भेद विकल्प कल्पांत रूपी जो कल्पांत वात है, ये ऐसा वात वायु है हमारा, ये जो भेदा भेद रूपा प्रश्न, ये कल्पकांत वायु माने प्रलय को कालीन जो वायु जैसा होता वैसे ही खतरनाक वायु है जो तुम्हारा पूरा सिद्धांत को उखाड़ के फेंक देगा, कल्पांत वायु के समान है वात निर्मूल उन्मूलन, निर्मूल उन्मूलन हो जाएगा तुम्हारा सिद्धांत,
इति भाव। आश्रय आश्रित प्रतीति विरोधश्चैत्या, और आश्रय आश्रित का प्रतीति के साथ विरोध है, इसके लिए कहा जाए नहीं द्रव्यमिति। गुण कर्म वा भवति तद आश्रयत्वात्, आश्रय स्वयं आश्रित के रूप में परिणत नहीं हो सकता है। द्रव्यम यत् तंत्वादि तद गुण कर्म वा नहीं भवति इत्यन्वय, जो द्रव्य है तंत्वादि वो कभी गुण या कर्म रूप परिणाम को प्राप्त नहीं होता, ऐसा अन्वय कर लेना। घटादि कार्यस्यापि उपलक्षणम् इति, यह घटादि कार्य भी उपलक्षण समझ लो। आश्रितत्व प्रतीति है तत्राप्य विशेषाद, आश्रितत्व की प्रतीति वा भी सामान्य है। घट कहाँ है यदि पूछे तो मिट्टी में है, ये कहना ही पड़ता है, उपान कारण में कहना ही पड़ता है। कार्य विभ्रम अधिष्ठानत्वम् इति षष्ठम पक्षम दूषयति, कार्य विभ्रम का अधिष्ठान को ही मान लो, ये छठा लक्षण लोगे। या खलु कार्य कारण भाव निर्वक्ता न च असौ अनिर्वचनीय वादी इति भाव, यहाँ जो कार्य कारण भाव का निर्वचन करने के लिए खड़ा है पूर्व पक्ष रूपेण, वो अनिर्वचनीय वादी वेदांती नहीं है। इसलिए यह कौन है खड़ा है यहाँ, जगत सत्यवादी, और जगत सत्यवादी का दृष्टि में यह लक्षण बन ही नहीं सकता। कहते कोई बात नहीं, चलो उपादान उपादेय भाव को लेकर भेदा भेदवाद खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सामना दिन प्रयोग हो रहा है ना, शुक्ल पट मृद घट, ये सामनाधिकरण की वजह से मानना पड़ेगा आपको भेदा भेदवाद, ये कह रहा है ना भी सामनाधिकरण्य अनुपपत्ति, सामनाधिकरण अनुपत्ति को लेकर के हम भेदा भेद को मान लेंगे, ऐसा भी तुम नहीं कह सकते हो। क्यों? विकल्प सहत्वात्। कहते क्या विकल्प है जी आपके पास, यहाँ भी हर बार विकल्प खड़ा करके परास्त करते रहते हो। सुन लो तथा ही किम शाब्दस्य सामनाधिकरण्यस्य अनुपत्ति उत आर्थिकस्य, शब्दों को एक साथ ऐसा प्रयोग करना संभव नहीं है। यदि भेदा भेद न हो फिर ऐसे दो शब्दों को एक साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपको भेदा भेद मानना पड़ेगा। ये कहना चाहते हो यह शब्द के अंदर बोध्य अर्थ में परस्पर विरुद्ध है, विरुद्ध होते हुए भी अविरुद्ध रूप में प्रयोग हो रहा है, अतएव यहाँ भेद अभेद मानना पड़ेगा आपको। दो ही तरीका है, शब्द प्रयोग के आधार पर या अर्थनिष्ठता के आधार पर, किस प्रकार का सामान्यधिकरण को लेकर तुम कार्य भेद अभेद की सिद्धि। कहते नो भयम उभयतापि, दोनों ही प्रकार तुम नहीं कह सकते हो। क्यों? युक्ते शब्द निमित्तानाम एकाधिकरणत्वद शब्द तावत घटते भेदा भेद प्रसाधकम्, धर्माणाम अनेक निष्ठत्व मात्रेण एवोपपत्तितः अभेदानुभवाभावादार्थम नैवासि साधकम्। दो विकल्प है ना, पहला विकल्प के लिए एक कारिका, दूसरे विकल्प के लिए दूसरी कारिका। शब्द सामान्यधिकरण के लिए पहला कहते हैं शब्द निमित्तानाम एकाधिकरणत्वतः युक्त है, शब्द निमित्त के शब्दों के जो निमित्त है वो एकाधिकरण, इसलिए ऐसा प्रयोग करना कोई गलत नहीं हो सकता युक्ते। अतएव न तावत शाब्दम भेदाभेद प्रसादकम घटत, इसे शाब्दत्वात् शाब्द सामान्यधिकरण को लेकर के भेदाभेद को सुनिश्चित करके प्रयास करो, यह नहीं हो सकता। विस्तार आएगा टीका में, इसलिए हम जाएंगे, इसलिए उसको ज्यादा नहीं लेंगे यहाँ। और दूसरा क्या है, धर्माणाम एक निष्ठत्व मात्र ने उपपत्तित, अर्थ की बात कहते हो, अर्थ में क्या है, वस्तु का धर्म है, इसे घटत्व क्या है, घट का क्या अर्थ है, पूछे घटत्व में घट से अर्थ है, ये होगा यह शब्द के तरफ बोध्य अर्थ, वो शब्द का एक धर्म विशेष माना जाएगा, क्योंकि बोधक हो गया विशेष ही हो गया, तद बोध्य हो गया, वो जो अर्थ है वह भी वास्तव में एक निष्ठ ही होता है, एक अधिकरण निष्ठ होता है, इसलिए भी सामान्य अधिकरण व्यवहार हो जाएगा, भेद अभेद के कारण सामान्य अधिकरण मानने की जरूरत नहीं है। एक अनिष्टत्वा पात्रेण उपपत्तित अभेद अनुभव अभावाद, और दूसरी बात अभेद का अनुभव ही नहीं है, भेदाभेद में भेदानुभव यदि है लेकिन अभेदानुभव नहीं है, और जहाँ अभेदानुभव है अभेदानुभव नहीं हो सकता है, इसलिए भेदाभेद का युगपत कहीं व्यवहार आप नहीं कर सकते। अभेदानुभवाभावाद आर्थम नैव अस्य साधकम, अस्य मने भेदाभेद से साधकम, अर्थ सामनाधिकरण भी भेदाभेद का साधक नहीं हो सकता। यहाँ तक पहले श्लोकार्थ ले लो टीका में, द्वे ही अनुपत्ति भेदाभेद साधना कीर्तिते, दो अनुपत्ति भेदाभेद का सिद्धि के लिए स्वीकार किया गया है, भेदाभेद का सिद्धि के लिए दो प्रकार के अनुपत्ति वो उपस्थित कराते हैं, कौन से हैं,
ಏಕಾ ಉಪಾದಾನೋಪಾದೆ ಭಾವನುಪತ್ತಿ ಅಪರಾತು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಅನುಪತ್ತಿ. ಏಕ ತೋ ಉಪಾದಾನೋಪಾದೆ ಭಾವ ಹೈ, ದೂಸರ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಇಸೆ ಪಹಲೆ ವಾಲೆ ಕಾ ಖಂಡನ್ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈ. ತತ್ರ ಪ್ರಥಮೇ ದೂಷಣ ಪ್ರಸಾರಿತ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ, ಪ್ರಥಮ ಕೌನ್ ಉಪಾದಾನ ಉಪಾಯ ಭಾವ, ಉಸ್ಮೇ ಜೊ ದೋಷ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ವಿಸ್ತಾರ ಮೇ ಫೈಲಾ ಕರ್ ಸಮಝಾ ದಿಯಾ, ಉಸ್ಕೋ ಉಪಸಂಹಾರ ಕರ್ ಚುಕೆ ಹೈ. ಔರ್ ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ, ದ್ವಿತೀಯಂ ದೋಷೇತಿ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಅನುಪತ್ತಿ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಭೇದಾಭೇದ ಕಿ ಸಿದ್ಧಿ ಕೋ ಕಾ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ ಆರಂಭ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ನಾ ಪೀತಿ ತದ್ರ ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಶಾಬ್ದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಸ್ಯ ಏಕಾಧಿಕರಣತ್ವ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಸ್ಯ ವಾ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದೇ ಅಪಿ ಉಪಪತ್ತಿ ಶ್ಲೋಕತ್ವೇನ ದರ್ಶಯತಿ. ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ದೋಷಬ್ದ, ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಾಂ ಮೃತ್ಯಿಕಾ ಹೈ ಘಟ್ ಹೈ, ಮೃತ್ತಿಕಾ ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಜಾತಿ ಹೈ, ಘಟ್ ಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಘಟತ್ವ ಜಾತಿ, ದೋನೋ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಾಲೆ ಶಬ್ದ ಹೈ. ಉನ್ಕೋ ಏಕಸ್ವಿನ ಅರ್ಥೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಶಾಬ್ದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ, ಉನ್ಕೋ ಏಕೀ ಅರ್ಥ ಬೋಧ ಕರಾನೆ ಕೆಲೇ ಏಕ ಸಾಥ ಪ್ರಯೋಗ ಮೃತ್ ಘಟ ಏಕ ಸಾಥ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ ದಿಯಾ, ತಂತವ ಪಟಾಹ ಪಟಃ ಏಕ ಸಾಥ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ ದಿಯಾ ಅಪನೆ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಏಕ ಸಾಥ ಪ್ರಯೋಗ ಏಕಸ್ವಿನ ಅರ್ಥೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಶಾಬ್ದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ವ ಏಕ ಅವ್ರ ದೂಸರಕ್ಕೆ ಹೈ ಏಕಾಧಿಕರಣ ಲಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಸ್ಯ ಏಕ ಅರ್ಥ ರೂಪಾಧಿಕರಣ ಏಕಾಧಿಕರಣತ್ ದೋನೋ ಅರ್ಥ ಏಕ ಅಧಿಕರಣ ಮೇ ಘಟನಾ ಚಾಹಿ ಮೃತ್ಯಿಕಾ ಔರ್ ಘಟ ದೋನೋ ಕಾ ಏಕ ಘಟ ಬನ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ ಮೇ ಘಟ ಮೇ ಹಿ ಆಪ್ ಘಟ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ ರಹೇ ಘಟ ಕೋ ದಿಖಾ ಕರ್ಕೆ ಉಸಿ ಘಟ ಕೋ ದಿಖಾ ಕರ್ಕೆ ಮೃತ್ಯಿಕಾ ಭಿ ಬತಾ ರೇ ಮೃತ್ಯಿಕಾ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ ಬೋಧ್ಯ ಭಿ ಯಹಿ ಘಟ ಹೈ ಘಟ ಶಬ್ದ ಬೋಧ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಭಿ ಯಹಿ ಘಟ ಹೈ ಏಕ ಅಧಿಕರಣ ಮೇ ಹಿ ಆಪ್ ಮೃತ್ಯಿಕಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಭಿ ಬೋಧ ಕರಾನಾ ಚಾಹ ರಹೇ ಘಟ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕಾ ಭಿ ಬೋಧ ಕರಾತೆ ಏತಾರ್ಶ ಏಕಾಧಿಕರಣತ್ವ ಕಾ ನಾಮ ಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೈ ಯಾ ಭೇದ ಮೇ ಭಿ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಕೇವಲ ಭೇದ ಮೇ ಅಭೇದ ಅಭಾವಾತ್ ಕೇವಲ ಭೇದೇ ಅಪಿ ಇದಂ ಸಂಭವತಿ ಅತಿ ಏತಾರ್ಶ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ಕೋ ಸಿದ್ಧ ನೈ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಬಲ್ಕಿ ಭೇದ ಹೀ ಸಿದ್ಧ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಯೇ ಕಹ ರಹೇ ಏಕಾಧಿಕರಣತ್ವ ಲಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ವಾ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದೇ ಅಪಿ ಉಪಪತ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದ ಮೇ ಭಿ ಸಂಭವ ಹೈ ಶ್ಲೋಕದ್ವೇನ ದರ್ಶಯತಿ ಇಸ್ ದೋನೋ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣಕ್ಕೋ ಅತ್ಯಂತ ಭೇದ ಮೇ ಭಿ ಸಂಭವ ಹೈ ಯೇ ದಿಖಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಯುಕ್ತೇ ಶಬ್ದ ನಿಮಿತ್ತಾನಾಂ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶೌಕ್ಲ ಪಟತ್ವಾದಿನಾಂ ಏಕಪಟ್ಟಾಧಿಕರಣತ್ವಾದೇವ ಶಾಬ್ದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಉಪಪತ್ತೆ ಹೇ ಎಸ್ ಶುಕ್ಲ ಪಟ ಉಸ್ಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೃತ ಘಟ ಶುಕ್ಲ ಪಟ ದೃಷ್ಟಾಂತಿಯಾದ ಶುಕ್ಲತ್ ಔರ್ ಪಟತ್ವಾದೀನಾಂ ಶೌಕ್ಲಿ ಔರ್ ಪಟತ್ವ ಯೇ ಕಹಾ ಹೈ ದೋನೋ ಏಕ ಪಟ ರೂಪಿ ಅಧಿಕರಣ ಮೇ ಹಿ ಹೈ ಕಹೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಸೇ ಕಹೀ ಪರಂಪರಾ ಸಂಬಂಧ ಸೇ ಭೈ ಪಟತ್ವ ಕಹಾ ಹೈ ಪಟ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧ ಸೇ ಭೈ ಗುಣ ಹೈ ಜಾತಿ ಹೈ ನಾ ಪಟತ್ವ ಜಾತಿ ಪಟ ಮೇ ಹೈ ಶುಕ್ಲ ರೂಪ ವೋ ಭಿ ಗುಣ ಹೈ ವೋ ಪಟ ಮೇ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧ ಸೇ ರಹತೆ ದೋನೋ ಹಿ ಏಕ ಅಧಿಕರಣ ಮೇ ಆಯಿ ಗಯಾ ಭೈ ಕದ ಏಕ ಪಟಾಧಿಕರಣತ್ವಾದ ದೇವ ಶಾಬ್ದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಹೇ ಶಾಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪನ್ನ ಅವಶ್ಯ ಹೋಗ ನ ಶಾಬ್ದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಗುಣಗುಣ್ಯಾದಿ ಭೇದಾಭೇದ ಪ್ರಸಾದಕಂ ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ಯೋಜನಾ ಕನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇ ಗುಣಗುಣಿ ಕ್ರಿಯಾಕ್ರಿಯಾವನ್ ಅವಯವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋ ಲೇಖರ್ಗೆ ಶಾಬ್ದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಆಧಾರ ಪರ್ ಭೇದಾಭೇದ ಸಿದ್ಧ ನೈ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಯೇ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕಕ ಅರ್ಥ ತಥಾ ಅರ್ಥಮಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ನ ಸಾಧಕಂ ಆರ್ಥ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಭಿ ಭೇದಭೇದಕ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕುತಃ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಏಕನಿಷ್ಠತ್ವ ಮಾತ್ರೇಣೋಪತ್ತಿತಃ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರಿಕ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಏಕನಿಷ್ಠತ್ವ ಮಾತ್ರೇಣ ಉಪಪತ್ತಿತಃ ತಥಾ ಹಿ ಕೈಸೆ ತದೆ ದೇಖು ಧರ್ಮಧರ್ಮಿಣೋ ತಾವ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ವಾಸ್ತವ ಧರ್ಮ ಔರ್ ಧರ್ಮಿ ದೋನೋ ಕಾ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಕಭಿ ಹೋತಾ ಹಿ ನೀ ಯದಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ ಭಿ ದೇತೆ ಫಿರ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಮತ್ವರ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಯೇ ಶುಕ್ಲ ಪಟ ಕರ್ತ ಶುಕ್ಲವಾನ್ ಪಟ ಶುಕ್ಲ ರೂಪ ವಾಲ ಶುಕ್ಲ ರೂಪ ಹಿ ಪಟ ಏನೇ ಬೋಲ ಸಕ್ತಾರೆ ಗುಣ ಹೀ ದ್ರವ್ಯ ಕೈಸೆ ಬೋಲೆಂಗೆ ಆಪ್ ಗುಣ ಹೀ ದ್ರವ್ಯ ಐಸ ತಾರ್ಕಿಕ ಬೋಲ್ ನೀ ಸಕ್ತಾ ಇಸ್ ಕಹನಾ ಪಡೆ ಗುಣವಾನ್ ದ್ರವ್ಯ ಕಹನಾ ಪಡೆಗಾ ಇಸೆ ಯದಿ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾ ಹೋತಾ ಭಿ ಇಸ್ಲೇ ವಹಾಂ ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಅಮರ ಕೋಶ ಕಾರಣ ಹೈ ಶುಕ್ಲ ಶಬ್ದಾದಿ ಜೋ ಗುಣ ಹೈ ಯೇ ವಾಚಕ ಕೈಸೆ ಬನ್ತೆ ಹೈ ಜಬ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇ ಹೋಂಗೆ ತದ್ವಾನ್ ಕಾ ವಾಚಕ ಹೋಗಾ ಔರ್ ನಪುಸಲಿಂಗ ಹೋಂಗೆ ತೋ ಗುಣ ಕಾ ವಾಚಕ ಶುಕ್ಲಂ ರೂಪಂ ಶುಕ್ಲ ಪಟ ಪುಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಶುಕ್ಲವಾನ್ ಅರ್ಥ ಹೋಗಾ ಉಸ್ಕ ಯೇ ಕಹಾ ಇಸ್ಲೇ ಕಹತೆ ದೇಖೋ ಧರ್ಮ ಔರ್ ಧರ್ಮೀ ಕಾ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ ಕಭಿ ಭಿ ಹೋ ನೀ ಸಕ್ತಿ ಉನ್ಕೋ ಲೇಕರ್ ಆಪ್ ಭೇದ ಭೇದ ಸಿದ್ಧ ನೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ರಹಿ ಬಾತ್ ಧರ್ಮೋ ಕಿ ಬಾತ್
इस कारिका का शब्दार्थ ले रहे, अभेदानुभव का अर्थ क्या है कारिका में, सामनाधिकरण अनुभवो, अभेदानु मने सामनाधिकरण को अभो अनुभवो अत्र विवक्षिता, वो हो नहीं सकते। अभेदानुभव अभाव मैंने सामनाधिकरण अनुभव अभाव, अभे शब्द करते सामनाधिकरण, उसका अभाव होने से नास्ति अनुभव रूपम पट, ऐसा कभी अनुभव होता ही नहीं किसी को, रूपम पटैती वा चलनम पटैती वा, ऐसा कभी अनुभव होता ही नहीं। तथा धर्मयोरैकाधिकरण्यमेव सामनाधिकरणम नाम, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा शब्द के द्वारा बोध जो धर्म है अर्थ है, अर्थ क्या लेना है तद्गत धर्म, उनका जो सामनाधिकरण तुम कह रहे हो तो उससे भेद अभेद सिद्ध नहीं होने वाला है। तथा च धर्म धर्म भेद्यपि तत्सम्बन्धादेव तद अधिकरणत्वोत्पत्तिरिति द्वितीय श्लोक योजना, से धर्म धर्म का भेद होने पर भी धर्मों का अभेद करता हुआ, धर्मों का एक अधिकरण स्वीकार करते हुए आप सामनाधिकरण व्यवहार करोगे, वहां पर धर्मों का भेद रहा, धर्म धर्म का भेद अभेद नहीं रहा। धर्म धर्म का गुण गुणी क्रिया क्रियावान, इनका भेद अभेद कहाँ सिद्ध हुआ, बल्कि भेद ही सिद्ध हो गया, अभेद सिद्ध होता ही नहीं। शुक्ल पट इत्याद शाद सामनाधिकरण से प्रवृत्ति निमित्त योर एकाधिकरण संबंधा देव उपपत्ति है धर्मधर भेद अभेद योर औदासीन्यात, धर्मधर्मी भेदाभेद योर औदासीन्यात, धर्म और धर्मी का भेद या धर्म धर्मी का अभेद इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बिना ही जो है प्रवृत्ति निमित्त योर एकाधिकरण संबंधात, इनके जो प्रवृत्ति निमित्त है इनका क्या हो जाएगा, एक अधिकरण संबंध सिद्ध कर देंगे, शुक्लत्व का और पटत्व का, पटत्व पट में सम्मान समय समय से, और शुक्लत्व कैसा है शुक्ल में, और शुक्ल कहाँ है पट में, संवेद समवाय समय से हो जाएगा। इस तरह से जो है हम संबंधों से ही सिद्ध कर सकते हैं, इससे भेद अभेद की सिद्धि नहीं होगी, सामान्य अधिकरण व्यवहार हो गए इसी वजह से, संबंध मात्र से जो है आपकी दीवी समवाय संबंध या संवेद समवाय संबंधों से ही हम सामान्य गण व्यवहार जब कर सकते हैं, उससे अलग एक भेद अभेद को क्यों मानना, ये इनका कहने का अभिप्राय है। आर्थिकस्यापि धर्मयोर एकाधिकरणता लक्षणस्य अति उपपत्ति है, आर्थिक में भी क्या है धर्मों का ही एकाधिकरणता हम सिद्ध कर सकते हैं, धर्म और धर्म का भेद होने पर भी धर्मों का एकाधिकरण होना संभव है, अर्थता में भी कैसे अधिकार है, धर्म धर्म अभेदानुभवस्य असंप्रतिपत्ते है च असाधकत्वात्, धर्म और धर्मी में अभेदानुभव असंभव है, अतः गुणो द्रव्यम कर्म द्रव्यम जातिर्व्यक्तिरिति सामनाधिकरण अनुभव अभावात्, कि गुणो द्रव्यम कर्म द्रव्यम जातिर्व्यक्ति, इस प्रकार सामनाधिकरण किसी को अनुभव होता ही नहीं है, किंतु यही होगा गुणवद द्रव्यम कर्मवद द्रव्यम जाति जातिमान व्यक्ति ही, ऐसा ही सब अनुभव में आएगा। अतः आर्थिक सामनाधिकरण भी धर्म धर्मी का भेद अभेद सिद्ध साधक नहीं हो सकता है, धर्माधर्मी थी धर्म धर्मिणोर यौ भेदाभेद तयोर औदासीन्य, धर्म और धर्मी जो भेदाभेद है उससे ध्यान न देते हुए भी सीधे भी हम संबंध मात्र से भी सिद्ध कर सकते हैं, द्वितीय विभजते आर्थिक अतएवेदी धर्म धर्म संबंधादेव इत्यर्थ अभेदानुभवादित्य अंशम विवृणोति, अत्रापि अभेद अनुभव सामनाधिकरण्य अनुभव वह जो है असाधकत्वात्, क्यों भेदाद भेदाभेद अनुभव सीति शेष, कि भेदाभेद अनुभव कहीं किसी को होता ही नहीं है, अनुभव अभाव में विवृणति, अनुभव अभाव को ही दृष्टांत से बता दिया, गुणो द्रव्यम कर्म द्रव्यम इस प्रकार से होता ही नहीं किसी को। इदानीं भेदाभेद इत्यस्यैव भेदाभेद इत्यस्यैव तावत् अव्याहतः कश्चिदर्थो दुर्बणः कुत्र प्रमाण चिंता इत्यपि संधिराह, वास्तव में भेदाभेद यही जो है इत्यस्यैव तद अव्याहत कश्चिदर्थो दुर्बणः, कोई अव्याहत अर्थ का यह कथन कर सकता है क्या, यह निरूपण आप नहीं कर सकते हैं, भेदाभेद नाम का चीज कोई एक वस्तु है ये कभी नहीं बोल सकते हो कि परस्पर व्याहत दोष है, यहाँ पर व्याघात दोष है, परस्पर विरोधी है, और ये विरोधों में अविरोध आप कथन नहीं कर सकते, अव्याहत दुर्बण कोई ऐसा अव्याहत अर्थ आप कथन नहीं कर सकते, कुत्र प्रमाण चिंता, जब ऐसा है इस प्रकार का भेदाभेद के लिए प्रमाण की चिंता ढूंढने की क्या जरूरत है,
जो वस्तु है ही नहीं उसके प्रमाण की चिंता क्यों करें। खरगोश का सिंह ढूंढो, उसके लिए प्रमाण ढूंढो, क्या जरूरत है जो है ही नहीं। वो इस बात को कथन करने के लिए आह भिन्न इत्यादि ना भिन्ना भिन्न मित्र भिन्न शब्द न सर्वभेद से अभिन्न शब्द न तद भाव से अभिधाने च भावा भाव युगपद एकत्र परस्पर विरोधी न असंभवात। भिन्ना भिन्नम का अर्थ क्या लोगे, भिन्न शब्द से जिस वस्तु को कह रहे हो क्या है वो स्वरूपगत भेद। भिन्न शब्द न स्वरूप भेद से अभिन्न शब्द न तद अभाव से, और अभिन्न शब्द से क्या कहना चाहते हो स्वरूपगत भेद का अभाव। तो स्वरूपगत भेद और स्वरूपगत भेदाभाव पर विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तद अभाव से अभिधाने ये तुम कथन कहना करना चाहोगे तो भावा भाव योर स्वरूप भेद क्या हो गया भाव और उसका भाव हो गया अभावात्मक से भावा भाव एकत्र एक अधिकरण में युगपत हो नहीं सकता, परस्पर विरोध न असंभवात परस्पर विरुद्ध होने से असंभव दोषग्रस्त हो गया। अभेदे च शुक्ल पट इत्यादिशु द्वितीय बुद्धि व्यपदेश पौनरुक्ति आपत्ते है। अभेदे च और दूसरी बात अभेद मानेंगे शुक्ल पट इत्यादियों में द्वितीय बुद्धि व्यपदेश शुक्ल ही कह दे फिर पठा करने क्या जरूरत है। द्वितीय बुद्धि मने पटाई शब्द का ज्ञान और पटे शब्द का प्रयोग व्यपदेश व्यर्थ है कि ना, क्यों पौनरुक्ति आपत्ति। जो शुक्ल शब्द का अर्थ है वही पट शब्द बोल रहा है, पट जो बोल रहा है वही शुक्ल को बोल रहा है, शुक्ला पट दोनों शब्द क्यों बोल रहे हो, पर्यायवाची हो गया ना दोनों। यदि दोनों अभिन्न अर्थ कोई बताएंगे शुक्ल और पट में अभेद यदि है फिर तो शुक्ला कहने से ही पाठक ज्ञान हो गया, पाठक कहने से शुक्ला का ज्ञान हो जाएगा, दोनों शब्द प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। ये कहते हैं पौनरुक्ति आपत्ति, यदि कहोगे तो पौनरुक्ति दोष हो जाएगा। न च भेद से आप भाव सार्थकता, यदि वो कहेगा भाई अभेद तो है फिर में कुछ कुछ भेद भी है इसे दोनों प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा कहते ऐसा तुम नहीं कह सकते हो कि अभेद से आप भावे वैयर्थ से आप संप्रतिपन्नांश युव दुष्परिहरत्वात्। बार अभेद के अंदर भी इस प्रकार से भेद मान लोगे अभेद से भावे वैयर्थ्यापि संप्रतिपन्ना फिर तो व्यर्थता की आपत्ति वैसी की वैसी रह जाएगी। अंश इव दुष्परिहर संप्रतिपन्ना अंश इव उभय मत अंश के समान व दुष्परिहर हो जाएगा। ठीक है अत्र किम भिन्न इत्यनेन स्वरूप भेदो विवक्षते अभिन्न इत्यनेन तद अभाव किम वा भिन्न इत्यन अन्योन्य भावत्वम अभिप्रेते अभिन्न इति च तद अभाव अथवा भिन्न इति स्वरभेदवत्वम अभिन्न इति च इतरेतर अभाव राहित्यम विधीयते। तीन पक्ष उठाएंगे कहते भाई भिन्न शब्द का अर्थ क्या स्वरभेद लेते हो और अभिन्न का मतलब स्वरभेदाभाव पहला पक्ष है, अथवा भिन्न शब्द का अर्थ ले लोगे अन्योन्य अभाव और अभिन्न शब्द का अर्थ अन्योन्य भाव का अभाव, और तीसरा पक्ष ले रहे हैं स्वरूप भेदवत्व भेद का भिन्न का अर्थ और अभिन्न का अर्थ इतरेतर भाव राहित्यम बिल्कुल अलग कर दिया। भिन्न का अर्थ स्वरूप भेदवत्व और अभिन्न का अर्थ इतरेतर भाव रहित मैंने अन्योन्य भाव का रहित ऐसा अर्थ लेंगे। इति तीनों पक्ष पहला पक्ष नाद्यत्या भिन्न शब्द स्वरूप भेद इसी तदा ही स्वरूपत्व अस्वरूपत्व च भेदा भेद शब्दार्थ किस भेदाभि शब्द का क्या होगा स्वरूपत और अस्वरूपत अर्थ हो जाएगा। तच्च विरुद्ध व विरुद्ध है अविरुद्धत्वे भी धर्मणोपि स्वापेक्षा तथात्वापातात् नहीं तो अविरुद्ध मान लोगे अविरुद्धत्वे भी धर्मणोपि स्वापेक्षा तथात्वापात् धर्मी में भी स्व की अपेक्षा से ऐसे व्यवहार होने लग जाए घटो घटो बोलो फिर पटश्च अपटश्च इति अव्यवस्थित एव पदार्थेर आश्रिता स्यादिति भाव यदि ये होगा पटश्च अपट अपट पटापट व्यवहार होने लग जाएगा कि पट कैसा है पटापट रूप ही है मैंने पट और अपट रूप है ये परस्पर विरुद्ध एक ही में मानना पड़ जाएगा। वही कह रहे पटस्य अपटस्य इति अव्यवस्थिति रेव यह व्यवस्था ही नहीं बनेगी शब्दार्थ कहीं कुछ नहीं निकलेगा ऐसे में तो पदार्थेर आश्रिता स्याद पदार्थों के द्वारा अव्यवस्था ही उपस्थित हो जाएगी इति भाव किंच यदि शौक्ल पट स्वरूप भेदो नास्ति ये शौक्ल और पट इनमें स्वरूप भेद वास्तव में नहीं है
तदा शुक्ल इति पदेन यावान अर्थवीत तावानेव पठित्यपि इति पटबुद्धे तच्छब्द पौनरुक्तिम स्यात्। कि शुक्ल शब्द का अर्थ ही पट हो जाएगा, जैसे शुक्ल पद के द्वारा जो अर्थ प्रतीत हो रहा है वही अर्थ यदि पट शब्द के द्वारा प्रतीत होने लग जाए फिर तो शुक्ल के साथ में पट शब्द का प्रयोग करना और उसका ज्ञान दोनों ही व्यर्थ हो जाएगा पुनरुक्ति दोषों का। बुद्धिश्च पौनरुक्त्य वैयर्थ्यमेव, इतने उसके ज्ञान की पुनरुक्ति भी व्यर्थ ही है। शब्द से च पौनरुक्ति सह प्रयोग अर्पत्ति, और शब्द का पुनरुक्ति में तो ये होगा उनका सह प्रयोग नहीं हो सकता कि पर्याय वाचा वाची नाम सह प्रयोग नास्ति, नियम है। न च व्याख्याया मूढ़ प्रबोधनार्थम अयम सह प्रयोग, व्याख्या में मूढ़ का प्रबोधन करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, हम मोटे बुद्धि वाला है उसको बताने के लिए कहना पड़ता है शुक्ल पट बोलना पड़ता है, बुद्धिमान के लिए तो शुक्ल कहने से पट समझ में आ जाएगा उसको, ऐसा बोल रहे हैं कोई तो भी ठीक है। न च ऐसा मत कहो नियमेन व्युत्पन्नान प्रत्यपि प्रयोगात, व्युत्पन्न पुरुष के प्रति भी ऐसा ही वाक्य प्रयोग हो जाता है शुक्ल पट। यदि चे शुक्ल पद से पटय वार्ता तथा शुक्लो घट इत्यत्र घटस्यापि तत्वेन पटघट अद्वैत आपात एवं सर्वत्रापि जितम अस्माभिः। यदि कहोगे शुक्ल पद का अर्थ पट है, शुक्ल पद पट ये अर्थ से पट ही अर्थ मान लोगे फिर तो शुक्लो घटा में भी आप वहाँ शुक्ल शब्द कर क्या है पट ही लोगे, फिर तो घटपट क्या होगा अभिन्न हो जाएगा, हमारे मत आ जाएगी सारा वेदांत ही कहते सारा जगत अभेद है द्वैत खत्म हो जाएगा। न भेदोपि धर्म धर्मो रस्ति, लेकिन वहाँ भेद भी तो है शुक्ल और पट के बीच में, अभिन्न होता हुआ वो भिन्न भी है। यदि कथम नैरर्थक्यम से व्यर्थ तो कहाँ से आ गया, पुनरुक्ति दोष कहाँ से दे रहे हो तुम। तत्रा न चेति संप्रतिपन्ना शैव पट पट इत्यत्रैव इत्यर्थ इत्यत्रैव, जैसे पटा पटा घटो घट इत्यादि व्यवहार में निरर्थकता मानते हो तद यहाँ भी निरर्थक है ही क्यों नहीं है। न उभय हेतु सद्भावे कोयम आग्रह वैयर्थ्यम सदित्य, अरे दोनों के वहाँ हेतु है, भेद सिद्धि का भी हेतु है अभेद सिद्धि का भी हेतु दिख रहा है, फिर क्यों जबरदस्ती कार्य व्यर्थ 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 पुनरुक्ति पुनरुक्ति मत बोलो ऐसा आग्रह मत करो, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है कोयम आग्रह वैयर्थ्यम पुनरुक्ति इत्यादि स्याति तत्र नैरर्थक्यम एव इति विनिगमनायाम हेतु महा, इसे निरर्थकता नैरर्थक्यम एव विनिगम हेतु, यानी व्यर्थ होकर के भी प्रयोग हो रहा है यही भेद अभेद का सिद्धि बना देगा, व्यर्थ है प्रयोग करना हम भी मान रहे हैं फिर भी प्रयोग हो रहा है ना, यही भेदाभेद को सिद्ध कर देगा। नैरर्थ्य ही विनिगमना बना दिया उसने, हेतु बना दिया भेदाभेद की सिद्धि के लिए, हेतु भाव इत्यादि ना ये सर्व विचार आरंभ होगा।